ये कौन औरत है जो बिना कर दिए हुए यहाँ शमशाना में चिता चिना ली। यहाँ का तुम्हें रूल का मालूम नहीं है कि यहाँ मुर्दा कैसे जलाया जाता है? मैं नहीं जानती कि तुम्हारी शमशान भूमि के कुछ नियम कुछ कानून कायदे भी होते हैं। हाँ, तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। हाँ, और ये मरने वाला कौन है? हाँ, तो अपनी आंखों से देखिए, अपनी आंखों से देखिए महाराज, मैं कोई गैर स्त्री नहीं हूँ बल्कि आपकी अपनी पत्नी तारा हूँ महाराज। और ये मरने वाला भी कोई गैर नहीं है बल्कि आपका इकलौता पुत्र रोहतास है महाराज, आपका पुत्र रोहतास है। आज तारा तुझे सारे रिश्ते नाते याद आ रहे हैं। अरे मेरा तेरा रिश्ता तो उस दिन खत्म हो गया था जब वर्णा नदी पर तूने घड़े को उठाने से मना कर दिया था। ऐसा मत कहिए महाराज, ये समय उन बातों को याद करने का नहीं है बल्कि एक दूसरे का दुख बांटने का है। हमारा पुत्र इस दुनिया को छोड़ के चला गया पियाजी, अब मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। पहले आपने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन आप 125 रुपया और कफन मांग रहे हो। हाँ। लेकिन मुझ दुखिया के पास आपको देने के लिए 125 रुपया कफन नहीं है महाराज। इस शमशान का मालिक मैं नहीं हूँ, मेरा मालिक काड़िया भंगी है, उसका आदेश है, मैं तो नौकरी करता हूँ। इतना जोर मत जमाइए पियाजी, आखिरकार मैं आपकी रानी हूँ। मेरी कोई रानी नहीं है। ऐसा मत कहिए, मेरे पास अगर तुम्हारे पास 125 रुपया नहीं है तो उठा सकते हो चलाद को और बाहर हो जाइए कहीं भी जाकर के फूकिए। ऐसा मत कहिए पियाजी, ऐसा मत कहिए, मेरी बात सुनिए जरा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पियाजी। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। अरे घाट पे समझ गया सारी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। रानी ये बात तो अच्छी तरह जानती है, तू एक ब्राह्मण के घर पर रहती है, मैं की भंगी के यहाँ पर नौकरी करता हूँ, फिर मेरा तेरा रिश्ता कैसे हो सकता है? लेकिन मेरी बात सुनिए महाराज, कहिए क्या कहना चाहती है आप। नजर में भांगी हूँ राजा न रहा हरिचंद्र, तेरी नजर में भांगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्धांगी हूँ। कहती न खड़ा उठा हूँ मिश्रानी सत्संगी हूँ, कहती न खड़ा उठा हूँ मिश्रानी सत्संगी हूँ। समझ रही पिया
को जाना पड़ता है, इस बात का अफसोस मत कर और मेरे सत को मां टिकाने की कोशिश कर। मैं यहाँ काड़िया भंगी की नौकरी करता हूँ, जब तक मुझे 100 रुपए का कर तू नहीं देगी तब तक यहाँ पर कोई शमशान में कोई चिता नहीं जलेगी। आप कहते हो कि आप भी पिता हूँ, हाँ, लेकिन इस दुनिया में मैंने इतने पत्थर दिल पिता नहीं देखा जिस पिता के सामने उसके पुत्र की लाश पड़ी हुई हो और वो मर्द अपनी औरत से 100 रुपए और कफन मांग रहा हो। मैं जानती हूँ कि आपके नियम है, यहाँ के रूल है, यहाँ के कानून कायदे है, हाँ। लेकिन मेरे पास 100 रुपया कफन नहीं है, क्या 100 रुपया कफन के बदले में कुछ और दे सकती हूँ महाराज? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मेरे पति की आखिरी निशानी, ये टूटी हुई कंठी और मेरे सर का ये फटा हुआ चीर कफन के बदले ले जाइए महाराज। अच्छा? इसके सिवा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज। चाहे किसी भी रूप में दे, लेकिन मुझे कर अवश्य दे, उसके बाद यहाँ पर मुर्दा भूख सकती है। कहिए क्या कहना चाहती है आप? तारा बोला खीर मेरा, ओ कर मरघट का ना छोडू सुन, तारा बोला खीर मेरा। 100 रुपए में गल किया कंठी और यो ले जा चीर मेरा, ओ चकाड़े ना दे दू मैं कोन्या सांझा सीर मेरा, ओ चकाड़े ना दे दू इसमें कोन्या सांझा सीर मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं, जोर क्यों जमा Thank you.
थानी तेरी मैं, थानी तेरी मैं।